अर्चित अग्रवाल, आप जिस तरीके से युवा हो तो कैसा महसूस कर रहे हैं? 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को हो चुके हैं, इसका मतलब खत्म हो चुकी है सरकार, अब दोबारा सरकार किसकी बनेगी? इस टॉपिक पे आपसे हमारा सवाल था। आप युवा हो तो कैसा महसूस करते हो? क्या देखिए, क्राइम पे कंट्रोल हुआ। पहले हम अखबार ठाकते थे, अगर अखबार हमारे घर में आता था सुबह हम ये देखते थे, आज फला जगह रेप हो गया, आज फला जगह डिकैती पड़ गई, आज फला जगह ये हो गया, आज फला जगह ये हो गया। जो भाजपा सरकार ने क्राइम खत्म करने का काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। देखो, क्राइम ने खत्म हो चुका है, अन्य व्यापारी सुरक्षित नहीं था, हमारी बहू बेटी। सरकार का नाम क्यों ले रहे हो? क्या भाजपा सरकार बहुत अच्छी लगी है जी? और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने कुछ काम नहीं करा जी, अगले टाइम में सारी गुंडागर्दी भरी है। अच्छा, जितनी गुंडागर्दी भाजपा टाइम में रुकी है इतनी गुंडागर्दी कोई नहीं रोक पाया। बदमाशों को सीधा एनकाउंटर, 11 बदमाश जेल में है, 11 बदमाश गोली पे है, बस दो निशाने हैं। जितने बदमाश बाहर आए थे वो दोबारा पुलिस को कह रहे हैं हमें पकड़ लो, हम इस केस में अंदर गए थे। आज तक की क्यों ना किसी सरकार ने करके दिखाया है काम, क्यों नहीं क्राइम कंट्रोल हुआ? हमारी बहू बेटियाँ घर से बाहर निकलती थी, उन्हें ये नहीं पता हम घर से बाहर निकले हैं हम घर पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। खुलेआम स्कूलों में लड़कियाँ जाना मन कर दिया, स्कूल के बाहर छेड़छाड़ होती है लड़कियों से। अब कैसा था? अब बहुत अच्छा है, कोई छेड़खानी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी लाइट आ रही, गजब लाइट आती है जिसे कहते हैं। क्या गांव में लाइटें मिली हैं? बिल्कुल मिली है लाइटें, स्ट्रीट लाइट देख लो गांव के अंदर गई है। हम गांव के अंदर जाते रहे, पहले स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, रास्ते में ख़राब होता था। एक बार की योजना मिली है आपको? बिल्कुल मिली है। एक बार की बात है, हम देवन में एक मंदिर है, वहाँ पर एक मेला लगता है, हम वहाँ पर गए, हम शाम को 4 बजे पहुँचे, हमने प्रसाद चढ़ाया, हमें गाँव वाले बताया कि यहाँ का रास्ता सेफ नहीं है रात को जाने के लिए, लाइटिंग नहीं है कुछ नहीं है, परंतु जितनी लाइटिंग वहाँ पहुँचने का काम हुआ बहुत अच्छा काम हुआ है भाजपा सरकार के अंदर। आप युवा हो तो कैसा फील होता है आपको? इस सरकार में बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। हमें बहुत अच्छा लगता है इस सरकार के अंदर, क्योंकि प्रशासन भी अलर्ट है। बिल्कुल प्रशासन अलग है, हम प्रशासन किसी काम को जाते हैं, हम प्रशासन जाकर अपना काम देते हैं और हमारा काम तुरंत होता है, चाहे हम जोन से मर्जी इसकी बात कर लें। इस बारे में तो इतना काम इस सरकार ने किया। अच्छा, आपकी सिटी से कौन कौन खड़ा है बताएं किस? हमारे सहानपुर से हमारे भाजपा सांसद जागर मोहनपाल शर्मा जी, हाजी फजलुर रहमान जी और इमरान मसूद जी। तो कौन कौन टक्कर दे रहा है? इमरान मसूद कैसे लगे आपको? इमरान मसूद जी पहले टक्कर देते रहे, अब नहीं टक्कर देंगे। उन्होंने हमारे मोदी जी को वोटी का कहने का काम किया, उन्हें कुछ और दुर्व्यवहार करने का काम किया। जो राहुल गांधी जी करके बात करते हैं वो सीधा जीजा जी क्यों नहीं कहते? अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से 2014 में मोदी की लहर थी, आपको कैसा लगता है? बिल्कुल फुल मोहम्मद से भाजपा सरकार आएगी। ये तो सिटी से कौन सीट ले जाएगा? हमारी सिटी से सांसद अनपाल शर्मा ही सीट लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये आपको पता चल गया जी। और क्या नाम है? फजल रहमान सीट लेके जाएंगे, वो दूसरे नंबर पर रहेंगे। इमरान मसूद तीसरे नंबर पर रह सकते हैं। क्यों? इमरान मसूद का काम अच्छा लगा आपको? इमरान मसूद जी का काम अच्छा है, ऐसा नहीं है, लोगों के सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु कुछ जगह ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पर काम नहीं हो पाते, पर ऐसा नहीं है कि लोग निराश हो जाएं। काम वो अपने पूरी मेहनत करते हैं, काम करना और ना करना ये किसी बस में नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुझे, जिस तरीके से पहले लड़कियाँ निकलने से बहुत डरती थी, तो क्या सुरक्षित महसूस कर रही हैं? जी, अब सुरक्षित महसूस करती है लड़की। पहले घर से बाहर लड़की निकलती थी, माँ बाप पूछते थे बेटा कहाँ पहुँचे। अब कम से घर वाले बेफिक्र हैं कि अगर हमारी लड़की गई है तो सुरक्षित घर ही आएगी। तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। आपको अच्छा लगा काम? जी, बहुत अच्छा। कैमरे के आगे बहुत अच्छा काम है, मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। और जिस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहा है कि 72,000 रुपये